गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डन आवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ लेसन नंबर 9 इन इंग्लिश. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड शी रन एंड जंप? क्यों वो दौड़ी और भागी? कौन आशा? इसका आंसर लिखेंगे हम, शी रैन एंड जंप्ड टू अलाउ हर वुबली टूल आलोक सजेस्ट. क्या आलोक ने सजेस्ट किया? व्हाट डिड आलोक सजेस्ट? आंसर, आलोक सजेस्टेड round her wobbly tooth and tug at it. Question number वो मजाक कर रहे थे. चलो फिर है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड हर मदर वेक अप एट नाइट? एंड क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड शी पुल अप हर शर्ट? व्हाट हैपेंड व्हेन शी डिड सो? देख फोटो लेके फिर हम आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्रॉस कर लेंगे. जो सजेशंस बार बार आलोक और बालन के सेम ही थे तो वो नहीं कर रहे हम लोग, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 को 6 कर लिया. ठीक है, तो इसका एक फोटो लेके हम करते हैं 7 और 8 क्वेश्चन. व्हाई डिड हर मदर wake her up at night? क्यों माँ ने उसको रात को जगाया? तो हम लिखेंगे हर मदर वॉक हर अप एट नाइट टू change her school uniform. क्यों उठाया था? क्योंकि पूरा दिन वो परेशान हो गई थी अपने वोबली टूथ से और यूनिफॉर्म में ही बेड पे चली गई थी, तो मदर ने उठाकर उसको बोला कि अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर. क्वेश्चन नंबर 8,
शर्ट, कैसे उसने अपने शर्ट को पुल अप किया, व्हाट हैपेंड व्हेन शी डिड सो। तो पहले लिखते हैं हाउ डिड, टू क्वेश्चंस है यहाँ पे, शी पुल अप हर शर्ट, व्हाट हैपेंड when she did so, when she did so, क्या है, क्या हुआ जब उन्होंने ऐसा किया था। चलिए she pulled it, she pulled it over her head with a jar. कैसे खींचा था उसने? She pulled it up over her head with a jar. ऐसे यूं सिर पे से खींचते हुए, ऐसे जर देते हुए खींचा। और क्या हुआ था? What happened? As she did so, the shirt got caught on the wobbly tooth, on the wobbly as wobbly tooth. क्या हो गया था? जैसे ही उसने ऐसे किया, the shirt got caught on the wobbly tooth and a tooth fell on the blue car. तो हम इधर ही लिखेंगे कि शर्ट जो था वो उस wobbly tooth के अंदर फंस गया और वो wobbly tooth जो बहुत परेशान हो रही थी वो फेल डाउन हो गया। तो हमारा लेसन यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया है। हमने ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज कर ली है। मैरी गो राउंड भी मैंने आपको बता दिया था, जॉन मैसन, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। टप्पू बम्बल ऑलवेज वुड ऑलवेज ग्रम्बल, इसमें है क्वेश्चन। और एक स्टोरी पढ़ी थी हमने, स्टोरी फ्रॉम अफ्रीका, लिसन टू दिस स्टोरी। एक जो बच्चे चिल्ड्रन खेल रहे होते हैं प्लेग्राउंड में, एक पर्सन आता है साथ में गिफ्ट हैम्पर लेके आता है और बच्चों कहता है कि आपको रेस करनी होगी, जो रेस में विनर होगा उसको वो गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। उस गिफ्ट हैम्पर में ढेर सारे फ्रूट्स होते हैं, तो सारे बच्चे एक साथ अपने हैंड्स हेल्प करके एक साथ रन करते हैं और सारे विनर हो जाते हैं। तो पर्सन को बड़ा अमेज्ड होता है वो कि क्या हो गया ये, क्यों आप कोई एक विनर नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बच्चे को मिलता गिफ्ट हैम्पर। तो बच्चे कहते हैं कि हाउ कैन वन ऑफ अस बी हैप्पी इफ द अदर्स आर सैड, अगर एक को मिलता तो दूसरे सैड होते, है ना। तो बच्चे ने कहा कि हम सब एक साथ हैप्पी होना चाहते हैं। तो ये क्या बता रहा हमें, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टूगेदर, इसमें भी थ्री क्वेश्चन है। वाई डिड द विजिटर्स थिंक दे वुड डू, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। तो हमने टुगेदरनेस सीखी है, साथ रहना, शेयरिंग सीखी है हमने इस स्टोरी से। तो इसके क्वेश्चन आंसर भी हम राजू राइड्स के बाद करेंगे। राजू राइड्स टू स्कूल स्टार्ट कर देंगे अब हम लोग, और इसके एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग ये इस अफ्रीका और टप्पू बम्बल ऑलवेज ग्रम्बल ये वाला पोएम भी रीड करके, इसमें भी 10 क्वेश्चन है, तो 10 तो हम नहीं करेंगे, कुछ ही करेंगे, ठीक है। तो आज ही कर लीजिए आप काम अपना और रीड कर लीजिए, फिर हम हमारा लेसन नंबर 10 राजू राइड्स टू स्कूल स्टार्ट करें। ओके okay?